ओके देखो एटी गोटे क्वेश्चन देखिए जे 50 ml अफ एन ओ एच 50 ml अफ एन बाय 10 एन ओ एच 100 ml अफ एन बाय 5 एन ओ एच एंड 500 ml अफ एन बाय 2 एन ओ एच आर मिक्सड टूगेदर। ओके व्हाट इज द स्ट्रेंथ अफ रेजल्टेंट सल्यूशन यहाँ 2018 रो क्वेश्चन टा देख ये प्रॉब्लम को कमी सल्व करती है सिंपली आंसर कौन लिखे ना वी नो हम आम कौन जानचे ना तीन टा जाक सल्यूशन कंसंट्रेशन गुड़ा को सपोज सीरियली नहींगली एन ओन फास्ट रईटार एन ओन भि ओन ओके तो लिखी एन ओन भि ओन प्लस यार एन टू भि टू प्लस थर्ड टार कौन हो एन थ्री भि थ्री ओके एन थ्री भि थ्री इज इक्वल टू केते हे जाए फाइनल सॉल्यूशन टा सपोज एन आउ भि। ओके बर्तमान आमर एटा दरकार फाइनाल सल्यूशन रन टा दरकार यही सब डाटा दे कि ना चेक करदेव है कमी ना देख एमती करद एन ओन इज इक्वाल टू दे एन बै टेन मैंने वन बै टेन क्लीयर एन टू टा के देख वन बै फाइव एन थ्री टा के एन बै टू बा वन बै टू ओके क्लीयर एति बर्तमान भि ओन दे भि ओन इज इक्वाल टू के 50 ml भि टू इज इक्वाल टू के 100 ml भि थ्री के ना तुमर 500 ml ओके बर्तमान यहीटा कौन टोटाल वॉल्यूम तो टोटाल वॉल्यूमटा क्या जो आस सॉल्यूशन मिसा जो तो मोर कौन भि ओन प्लस भि टू प्लस भि थ्री इज इक्वाल टू भि ओके यहाँ के 50 650 650 ml ओके मिसे दे पारे। ओके बर्तमान तुमको देख सब जिनस मिल जाए सब जिनस मिल जाए केवल ये फर्मुला पकईदे कथा तो तुम एन कौन पाइब ना एन ओन भि ओन प्लस एन टू भि टू प्लस एन थ्री भि थ्री बै के भि। ओके एन ओन के वन बै टेन इंटू 50 प्लस वन बै फाइव इंटु 100 प्लस वन बै टू इंटु 500 हम बै के 650 ऊपरटा के 5 एटा हो जा 20 एटा हो गला 250। ओके सो एटा आंसर के 525 275 बै 60 ए सॉरी 650। ओके आंसर के 275 बै 650 तो आंसर के यहाँ काढ़ पार ना ना एवं ओके केते देख कटुना यहाँ फाइनाली कटिले 11 बै 26 एतिक नॉर्मल आसो ए आंसर भी छाड़ी दबो जदि अधिक लेट लगुवे एतिक रे एन लिखिकी छाड़ी देले भी आंसर हो। ओके देख ये गोटे प्रॉब्लम दे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया फ्रॉम 10 ml ऑफ इट्स 2 molar सॉल्यूशन है शुण ये तुमको गोटे वॉल्यूम दे गोटे कंसंट्रेशन दे तो एबे आम जस्ट पढ़ीचे कौन ना आउ गोटे सल्यूशन करने को हेले माने दीटा गोटे सल्यूशन को डाइल्यूट कर बा कंसंट्रेट कर जहाँ हेले कौन फर्मूला पड़ो एन ओन भि ओन इज इक्वाल टू एन टू भि टू। ओके तुमको यही कौटा गोटे पचार देख क्वेश्चन टाक ठीक रे देख है क्वेश्चन टाक देखिले तुम जापर जे से तुमको कौन टा पचार कौन टा फास्ट देख गिवन दैट। ओके गिवेन दैट रे कौन अच्छी एन ओन इज इक्वाल टू टू एन ओन न करके नॉर्मलिटी टर्म रे कही और जने कह एम करना एम ओन भि ओन इज इक्वाल टू एम टू भि टू मोलारिटी टर्म रे भी कहीपर है तो मुझ सपोज एम ओन करदेली चलो एम ओन इज इक्वाल टू के 2 molar ठीक अच्छे भि ओन इज इक्वाल टू के 10 ml क्लीयर त
तुमको भि टू टा पचार मान भि टू टा काढ़ एन टू इज इक्वाल टू यही वार्डिंग टाक बुझाक पड़ो डेसी कहले के बै टेन है तो डेसी नॉर्मल मान के डेसी मोलार और डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कही ओ सॉरी एटा डेसी मोलार दे माय बैड ओके करेक्शन कर दियो नो प्रॉब्लम ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हो गला डेसी मोलार कले एम टू टा के तुम ना एम बाय टेन हो जी यहाँ थी टू मोलार यहाँ अच्छी वन बाय टेन ता मैंने हन ना हाँ एतिक करार अच्छे ओके देख गोटे क्वेश्चन देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डेसी मोलार डेसी कहले मन रखि डेसी कहले वन बाय टेन ओके डेसी मोलार सॉल्यूशन ऑफ यूरिया फ्रॉम 10 एम एल ऑफ इट्स टू मोलार सॉल्यूशन है तमें तुमको देख ये गोटे भि ओन गोटे एन ओन एम ओन हम तो पचार डेसी नॉर्मल मान वन बाय टेन मोलार है तो एम बाय टेन तो ये गोटे एन टू भी देदेगी कनसेंट्रेसन सेकेंड एन एम टू टा दे ओके फास्ट लिखी दि कौन कौन डाटा दे देख ल तुमको देम ओन इज इक्वाल टू टू मोलार भि ओन इज इक्वाल टू टेन एम एल एम टू इज इक्वाल टू एम बाय टेन दे भि टूटा मत जना ना आउ किसी वॉल्यूम देनी है तमें मोर प्राइमरी टारगेट कौन भि टूटा काढ़ बर्तमान केमती काढ़ ना एबे फर्मूला जानचे कौन ना एम ओन भि ओन इज इक्वाल टू कौन हो एम टू भि टू तो ये पकई दि टू इंटु टेन इज इक्वाल टू के वन बै टेन है यहाँ केम टूटा के वन बै टेन इंटु कौन हो भि टू इम्प्लाइज भि टूटा के टू थाउजेंड एम एल ओके हूँ तो अच्छा बर्तमान तुम्हें पाईल भि टूटा के 2000 एम एल क्लीयर एति 2000 है ना 200 है 20 इंटू 10 पा ओहो सॉरी 200 एम एल ओके एति हम फाइनल वॉल्यूम केयरफुली शुणु था पिला आंसरटा छाड़ जाती एति की हम फाइनल वॉल्यूम किंतु ओरिजिनली तुम पाखे केम एल थी 10 एम एल से पचार वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड स्टार्टिंग रु तुम पाखे अच्छे 10 एम एल करार अच्छे 200 एम एल तो आउ कित पानी एड कर तो से एक्स्ट्रा अमाउंटा से पचार तो कौन लिख सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू के 200 माने भि टू माइनस भि ओन भी कर तो के 200 माइनस 10 के 190 एम एल पिला ये छाड़ दिखती तो यू अध मार्क कटिजी है तो ये जाए कले पूरा फुल टू रु टू पाइज आंसर ओके ओके देख तुमको ये गोटे क्वेश्चन देखिए फाइंड द मोल फ्राक्शन ऑफ कौन कही फाइंड द मोल फ्राक्शन ऑफ 10% एनएच तो ये क्वेश्चन रे मन रखि था केतटा कंपोनेंट अच्छे गोटे अच्छे एनएच आ गोटे किए अच्छे वाटर है तो तुमको दुटा जाकर मोल फ्राक्शन काढ़ मोल फ्राक्शन पुणी फर्मूला कौन ना मोल फ्राक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ताने तुमको फाइनाली जाणीगल ये यार नंबर ऑफ मोल्स काढ़ वाटरटार भी नंबर ऑफ मोल्स काढ़ चलो स्टार्ट कर आंसर कौन कर ना देख ये 10% NaOH सॉल्यूशन ओके 10% NaOH सॉल्यूशन तो यही मुझे कौन पाइली ना 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर ओके क्लियर ला 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम
एच टू ठीक अच्छे। तो वर्तमान देख वर्तमान कौन करवा ना दी जन जाकर वेटा तुम पाई क्लियर वेटा पाई वर्तमान तुमको तार नंबर ऑफ मोल्स टा काढ़ ओके नंबर ऑफ मोल्स केमती काढ़ देख तो कौन कर ना फास्ट लिखीदेल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनओएच फास्ट एनओएच पे काढ़ दे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनओएच के 40 ग्राम ओके तो यार नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनओएच केते हि जीव ना एन एन वन कर देले ताको तो केते हि जीव 10 ग्राम अच्छी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जी नंबर ऑफ मोल्स तो एतिकी एटा केते हि जाउ छी 1 बाय 4 थाउ नो प्रॉब्लम ठीक अछि एटा गोटे पाई गलो नंबर ऑफ मोल्स तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O सेकेंड कंपोनेंट के वाटर तो तार मॉलिक्यूलर वेट के 18 ग्राम अच्छी तुम पाखे के 90 ग्राम ओके सो तुम कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू के ना एमती अच्छी के 90 सॉरी 90 बाय 18 के 5 क्लियर वर्तमान तुमर काम कौन ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स काढ़ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एटा को एन टू नहीं गल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू केते हिजिव 1 बाय 4 एन 1 प्लस एन 2 इज प्लस 5 तो केते हि जाउची ना देखिलो एति के हि जाउची 21 बाय 4 क्लियर तो एति की जिनस जान ला परे मु काढ़ीबी एक्स वन सेटा किए ना मोल फ्रैक्शन ऑफ कर दउछ कोन हे जीव मोल फ्रैक्शन ऑफ योर एनएच देख मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए ओ एच इज इक्वल टू एक्स वन नहीं गली तो यहाँ के एन वन बै एन वन प्लस एन टू हम देख एन वन टा के बाहरी आमर 1/4 एन वन प्लस एन टू टोटाल नंबर अफ मोल्स टा के बाहरी ना 21/5 देख एपटे अच्छी ना ये सॉरी 21/4 अच्छी ला से वैल्यूटा आने की पके दो तो पके ले कहते 21/4 ओके तो तुम्हारा इटा इटा कहते ऐसी बो फोर हो चुना फाइव हो ओके केते पकेली 21/4 तो बर्तमान केते हे गला 1/21 ठीक अछि एति पाइ गलो बर्तमान तम काम कोन ना x1 पाइ गलो तमे जानिचो x2 टा काढ़ भर अछि तमे जानिचो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू केते हे गला ना 1 तो x2 इज इक्वल टू केते हे गला ना 1 माइनस x1 तो 1 - 1/21 तो यहाँ के 20/21 है एतिक आंसर एटा गोटे आंसर एटा गोटे आंसर है तो यहाँ हो गला कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट को एमती आंसर लिख एग्जाम रे जे मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए ओ एच इज इक्वल टू 1/21 ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू केते हे जीव ना 20/21 ओके आंसर कर परियो ए भले 2 मार्क या 3 मार्क या प्रॉब्लम पडुच ओके देख नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइम ते दै छी 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
C6H12O6 has been dissolved in 1000 gram of H2O. Calculate the mole fraction of solute. ला तमाने solute किए इटा glucose कोथरे में सीजी पानी रे तो तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काढ़ी हर अच्छी ग्लूकोज डा तब मॉलिक्युलर वेट भी दे दी ची हैला क्या बात काढ़ी हो देखो आंसर करियो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दरकार तो नम मोल स्टार्टिंग रो लिख देली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हबो इज इक्वल टू कोन हेगला n1 निगली इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय कौन है जाय थिबो मॉलिक्युलर वेट ऑफ ग्लूकोज एतिक त जान छ तो इंप्लाइज n1 टा केते बाहरिबो वेट टा तुमको केते देछि 1.8 ग्राम तो पके देले 1.8 ग्राम क्लियर वर्तमान तुमको देछि कौन मॉलिक्युलर वेट ऑफ ग्लूकोज देछि 180 तो एटा हेला देखो छ एटा काउंसिल टाइप रो क्वेश्चन माने एगुडा को क्वेश्चन काउंसिल ले पढ़ी परियो जेडा का कैलकुलेशन पाटे पाटे पॉसिबल ठीक अछि तो एतिके हे गेल वर्तमान एटा केते हे जाउ छी 1/100 हे गेल तो n1 पाइ गेल 1/100 ठीक अछि वर्तमान जे पर्यंत n2 न काढी छ x काढी परिवनी मोल फ्रैक्शन काढी परिवनी हला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किए सेकेंड कंपोनेंट आ किए सेकेंड कंपोनेंट आ किए ही थी बो 1000 ग्राम ऑफ वाटर डीजल हुई ची तो उनका किए ही थी बो वाटर ला तो मुंह वर्तमान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कहर का ढी भी ना वाटर हवा तो वेट ऑफ H2 कितने दे ची 1000 एमएल ए 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ H2 हवा तो इटा कितने ही जाऊँ ची 1000 बाय 18 तो इटा से 55.56 और 55 ओके इटा 55 एंड कंटिन्यू चले ठीक अछि तो एटा केते हो 0.01 हां एठो गोटे पाई छ n1 एटा पाई ल कोन n2 क्लियर एठो कोन पाई छ n1 एटा एटा कोन पाई छ n2 वर्तमान तम काम कोन ना x माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल किए सॉल्यूट ना तमरा ग्लूकोज ला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज केते हि जिबर देखिला एमति कर परिया n1/n1+n2 तो n1 टा केते अछि 0.01/n1+n2 माने 55.56+0.01 केते हि जाउ छि ना 0.01/55.57 हबा एटा केते हि जेबो कैलकुलेट करियो तो एटा एप्रोक्सीमेटली तमरो आसुचि आंसर टा 0.00018 ओके आंसर हबा तो एटा मोल फ्रैक्शन ठीक अछि यार किछ यूनिट नाही यूनिटलेस क्वांटिटी गोटे ओके ओके देख आ गोटे प्रॉब्लम दे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन हबो H2SO4 रो 0.5 मोलर सॉल्यूशन रे 2 लीटर सॉल्यूशन रे केते अमाउंट रो H2SO4 अछि हला देख हमको त माने एठी कोन मोलारिटी देछि कौन देछि मोलारिटी तो फर्स्ट तुम काम हैला मोलारिटी रा फार्मूला लिख दियो मोलारिटी मोलारिटी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कौन हुए ना वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वी क्लियर एठी कौन-कौन डाटा देछि एंड लिख दो गिवन कौन-कौन देछि चेक कर दियो गिवन देछि मोलारिटी एम टा दे देछि कैपिटल एम केते देछि ना 0.5 मोलर ठीक अछि स्मॉल डब्ल्यू टा पचारिछ अमाउंट ऑफ H2SO4 तण करे स्मॉल डब्ल्यू टा पचारिछ स्मॉल एम टा देछि H2SO4 माने ता मॉलिक्युलर वेट काट थबो केते हि जबो 98 ग्राम हबो वॉल्यूम वी टा देछि
हला भीटा केते 2 लीटर, 2 लीटर मान ता कोठी कन्वर्ट करिव 2000 ml वॉल्यूम। ओके 2000 ml बर्तमान तुम काम इजी हो गल। एथिर तुमको केवल डब्ल्यू टा काढ़ आग सब वैल्यू पकई दियो, तो यहीपटा है 0.5 इज इक्वाल टू डब्ल्यू बै एम जगह के 98 इंटू के पकेल 1000 बै भि जगह के 2000। ओके यू काटि दि 2, ठीक अच्छे। बर्तमान ये कर मत डब्ल्यू टा दरकार, डब्ल्यू इज इक्वाल टू के देख। ओके कौन करी 2 × 0.5 केगला बात कर दि 0.5 × 2 × 98 0.5 × 2 ½ × 2 जे के 1 × 98 के 98 ग्राम है आंसर करहब। हाँ ये प्रोब्लेम पड़ू दिमार्किया प्रोब्लेम, ठीक अच्छे बेस कष्ट पड़ूनी ये भाया ट्राए कर। देख एटी गोटे प्रोब्लेम दे 29.25 ग्राम अफ NaCl इज प्रेजेंट इन 529.25 ग्राम सल्यूशन फाइंड इट्स मोलालिटी है जिते ये सब टर्म देख पूरा फास्ट काम तर फर्मूलाटा लिखिदेव है सो दैट तुमको इजी हो। तो कौन लिखिली या फर्मूला मोलालिटी स्मॉल एम हम स्मॉल एम इज इक्वल टू मुझे कौन लिखी ना स्मॉल डब्ल्यू बाय एटा को एम डैश करदे मोलालिटी इज इक्वल टू एम डैश करदे वेट अफ सल्यूट बै मलिकुलार वेट एटा एम लिख नो एति मोलालिटी इज इक्वल टू एम डैश हम इज इक्वल टू एति इंटू 1000 बाई वेट अफ सल्यूट। ओके तापर तुम्हें चेक करदेव कौन कौन डाटा तुमको देमती लिखिदेव गिभेन दैट पेपर सेव कर भी परीक्षा हल एमती है गिभेन दैट तुमको कौन दे एम डैशा पचार। ओके कौन वेट अफ सल्यूट के 29.25 29.25। ओके प्रेजेंट इन एति ग्राम सल्यूसन माने यहाँ टोटाल सल्यूसन रेटा देखे मत कैपिटल डब्ल्यू काढ़ा वेट अफ सल्यूसन माइनस वेट अफ सल्यूट करार अच्छे हम वेट अफ सल्यूसन माइनस वेट अफ सल्यूट। तो वेट अफ सल्यूसन टा के 529.25 वेट अफ सल्यूटा के केते 29.25 ग्राम। ओके देख लीटा माइनस हेल्ले के 500 ग्राम बढ़ुच तो कैपिटल डब्ल्यू भी पाइल आ कौन बाकी रहा एम है एम किए NaCl तो NaCl र मोलिकुलर मास के 58.5 जान एति ग्राम। तो बर्तमान ये सब भैल्यू नहीं कि पकईदे खाली अच्छे तो एम डैश इज इक्वल टू कौन है जीवो ना 29.25 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 1000 बाय के 500 तो यहाँ हो गला 2 टाइम्स है तो यहाँ कटिगले के देख यहाँ हो 29.25 यार अर्था है तो बर्तमान यहाँ यहाँ भी कटिजे तो तुम मोलालिटीटा के आसूच 1 mole ठीक अच्छे। तो पार्टी पार्टी एमती हिसाब होता भाया प्रोब्लेम ही पड़ो तो ये लिखिदेव मोलालिटी इज इक्वल टू 1 है साइड जो स्मॉल एम लिख बेटर आंसर कम शेष। यही छोट छोट प्रोब्लेम करने को पड़ो ठीक अच्छे।